नीतीश कुमार और शरद पवार विपक्ष को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग करने शरद पवार और नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला की रैली में धूम धड़ाके के साथ शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने एक मामूली नेता को भेजकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। पहले चर्चा थी कि ममता बनर्जी सुखेंदु शेखर रॉय को भेजेंगी, लेकिन बाद में अपना फैसला बदलकर ममता बनर्जी ने विवेक गुप्ता को भेज दिया। तृणमूल के इस कदम की वजह शरद पवार से ममता बनर्जी की नाराजगी बताई जा रही है। टीएमसी का मानना है कि शरद पवार विरोधी गठबंधन तैयार करने में मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे चौटाला की जनसभा को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शुरू में जनसभा में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय को शामिल होने की बात थी, लेकिन बाद में विवेक गुप्ता को भेजने का फैसला किया गया। कांग्रेस को इस जनसभा में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसे देखते हुए विभिन्न क्षेत्रीय दल अपने शीर्ष नेताओं को जनसभा में भेज रहे हैं। ऐसे में तृणमूल का अपने किसी बड़े नेता को न भेजना सवाल पैदा करता है। कारण, तृणमूल खुद ही इस वक्त कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही है। ऐसे में इस तरह के मंच पर उसके प्रतिनिधि का होना लाजिमी है, जहां कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया है। जिन दलों के नेता जनसभा में शामिल होंगे, उनमें सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद ममता की ही पार्टी के हैं। तृणमूल के एक वर्ग का आरोप है कि पवार भाजपा की गुपचुप पैरवी कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कांग्रेस और माकपा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। टीएमसी के अपने किसी बड़े नेता को न भेजने की एक और प्रमुख वजह जनसभा में नीतीश कुमार का शामिल होना बताया जा रहा है। भाजपा विरोधी गठबंधन में नीतीश की भूमिका महत्वपूर्ण हो उठी है। चौटाला भले कांग्रेस को अलग रखकर आगे बढ़ने की बात कहें, लेकिन नीतीश कांग्रेस को साथ लेकर ही भाजपा का विरोध करना चाहते हैं। जदयू के एक नेता के मुताबिक नीतीश के गठबंधन फॉर्मूले में कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी सभी शामिल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी नीतीश कुमार के फॉर्मूले से खुद को अलग कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।